लक्ष्मण झूले से 8 मीटर दूर ये कांच का पुल बनेगा। रेत की रेत लहरें आ रही है। वर्षा वर्षा नो स्लिप हो जाओगे आप। पानी हमारी बोट छूट गई। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं राम झूला, तो पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। नो जय हो श्री केदारनाथ जी की। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और हम जा रहे हैं दोस्तों थानोवाली रोड से, क्योंकि ये शॉर्टकट है। सो आप ये रूट भी ले सकते हो थानोवाला, अगर आप सीधा ऋषिकेश जाना है आपको। ये सीधा जाएगा थानो से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से सीधा ऋषिकेश, और आपका टोल टैक्स मिल जाएगा। सो अभी हम थानो पहुंचने वाले। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके, सो अब सीधा मिलते हैं ऋषिकेश में। दोस्तों अगर आप इस वाली रोड से ऋषिकेश जा रहे हो ना, यहाँ पे ना गायें बहुत होती हैं दोस्तों, और गायें एकदम से आगे आती हैं, खासतौर पे रात को ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है, ये सीधा एयरपोर्ट जा रही है रोड, आगे जा रही है डोईवाला। अगर आपको डोईवाला जाना है तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हो, और अगर आपको ऋषिकेश जाना है या एयरपोर्ट जाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके ये वाला रूट पकड़ सकते हो। ये रोड कितना शॉर्टकट है ना, देखो एयरपोर्ट भी आ गया इतनी जल्दी। दोस्तों इधर राइट में एयरपोर्ट है और हमें जाना है सीधा। वर्षा आप कभी बैठे नहीं हो एरोप्लेन में? नो बैठे नहीं हो? मैं भी नहीं बैठा। तो यहाँ से बद्रीनाथ है 311 किलोमीटर और केदारनाथ है 250 किलोमीटर। और दोस्तों मेरा ना एक सपना है कि मुझे ना केदारनाथ जाना है बस, और इस बार भी दोस्तों ने बहुत ट्राई किया। वो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तभी आप लोग जाते हो। बहुत ट्राई किया, देव की तबीयत खराब होगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर वो कपाट ही बंद होगी। सो अगली बार जाने का पूरा प्लान है। पहुंच गया जी ऋषिकेश। अगर आपको लक्ष्मण झूला जाना है तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट। ये है दोस्तों इंद्रमणि बड़ोनी चौक। दोस्तों पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है, और यहाँ से ना गंगा मियाँ की आवाज़ आ रही है बहने की वो सामने। सो अभी चलते हैं सीधा लक्ष्मण झूला। चले वानी? यस। वानी देखो बोट खुद चल के आ रही है, है ना? वो भैया होगा ना? हाँ। पानी में कितना अच्छा लग रहा है ना, गोल वाला। हाँ पत्थर है, अच्छा लग रहा है ना। दोस्तों ऋषिकेश में ना भारत का पहला कांच का पुल बन रहा है। आपने जो चाइना में जो कांच का पुल है वो देखा होगा, अब आप भारत के ऋषिकेश में भी वो कांच का पुल देख सकते हो। इतना मस्त लगेगा ना मतलब, जब कांच के पुल से हम गंगा रिवर क्रॉस करेंगे। लक्ष्मण झूले से 8 मीटर दूर ये कांच का पुल बनेगा, और एक कॉलम यहाँ लगेगा, एक कॉलम वहाँ लगेगा, पूरा ब्रिज वायर से कनेक्ट होगा। और अभी फिलहाल हमें उस साइड जाने के लिए बोट लेनी पड़ेगी, बट इन फ्यूचर हम कांच के पुल से होके जाएंगे। अच्छा देव, ओए देव कहाँ गया अब ऋषिकेश? ये तो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना? वानी 3 बार आ चुकी है। वानू को याद है कि जब आए थे ना लास्ट टाइम कि मैंने उस मंदिर में डमरू लिया था। लास्ट टाइम दोस्तों उस वाले मंदिर भी गए थे, सबसे ऊपर वाले उस फ्लोर पे, याद है वानी आपको? रास्ते स्टार्ट फ्रॉम 300। हम निकल गए हैं गो घाट, सच्चा धाम घाट। यहाँ आप स्नान नहीं कर सकते, स्नान तो प्रतिबंधित है। और सामने गंगा मिया साइड ऑन हेलो आगे से वहीं इधर आओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। दोस्तों राफ्टिंग हो रही है, वाव ब्यूटीफुल। रेत की रेत दोस्तों, लक्ष्मण झूला तो बंद था, तो हमने सोचा कि यहाँ ये गऊ घाट है यहाँ चलते हैं। और ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है, बेसिकली बिल्कुल गोवा बीच जैसा ही है, सेम टू सेम, पीछे पूरा ओपन एरिया, और यहाँ पे गंगा मैया लहरें आ रही है। वर्षा करनी है राफ्टिंग? डर लगता है? छोटू कितना लेते हो उस पार जाने का? दोस्तों अगर वो उस वाली बोट से आपको जाना है ना तो 50 रुपये है चार्ज, और अगर इस वाली बोट से जाना है तो 100 रुपये। गाँव घाट से अब निकल रहे हैं, पहले कुछ खाते हैं। भैया एक आलू का कर देना, एक शकरी कर देना। दोस्तों ज़्यादा भूख भी लगी थी मुझे बिल्कुल, अभी तो हमने एक तो ली है ये क्या है, शकरी का चाट लिया है, और एक लिया आलू का चाट, और अभी हम खाने वाले हैं। क्या खाने वाले हैं? वाली में खा रहे हैं गोलगप्पे, हम सामने से खाएंगे गोलगप्पे। इतने भैया 20 के 6 हैं, कैसे बने लेना भैया? दे देना एक, अच्छा लग रहा है ना। दोस्तों हमने लिए आदि योगी जी, और उनके लिए ली है ये रुद्राक्ष की माला, अच्छा लग रहा है ना।
लेना ये वाला दे दो एक केदारनाथ वाला कितना प्यारा है ये देखो ना ये बोतल में बंद कैसे की है मैंने ब्रेसलेट लिया है रुद्राक्ष का तो दोस्तों लक्ष्मण झूले सब निकल रहे हैं और अभी प्लान है परमार्थ निकेतन जाने का जहाँ पर मैंने बहुत जगह देखी है बहुत वीडियो में देखी है वो भोलेनाथ जी की मूर्ति बहुत प्यारी लगती है कितना प्यारा लग रहा है ना श्री केदारनाथ धाम और इधर इनका मंदिर है अच्छी लग रही है ना जय भोलेनाथ जी की तो दोस्तों गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम पहुंच चुके हैं राम झूला और जहाँ हमें जाना था ना बेसिकली वो भोलेनाथ जी की मूर्ति है जहाँ हमें जाना है और यहाँ से कम मैं 1.5 किलोमीटर अब सोच रहे हैं तो रिक्शा करेंगे या फिर देखते हैं पैदल ही जाते हैं पर सीरियसली दोस्तों बहुत बढ़िया लोकेशन है देख रहे हो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है अब हमें जाना है राम झूले के लिए नीचे ये एक छोटा सा रास्ता जा रहा है ये है श्री शत्रुघ्न मंदिर घाट कितने पुराने पुराने सिक्के हैं बस गिर मत जाना देखना पानी कितना ठंडा है वानी नो गिर जाओगे आप दोनों गिर जाओगे वर्षा वर्षा नो स्लिप हो जाओगे आप वानी हमारी बोट छूट गई वानी हमारी बोट छूट गई हम कैसे जाएंगे अब ये चलते हैं ना इतना भी रिस्क नहीं है सब बैठे जा तो रहे हैं तुम्हें ये डर लग रहा है ना कि डूब ना जाए नो वानी आप भी करो दोस्तों बोट से भी और गंगा क्रॉस कर सकते हो और लाइफ जैकेट भी लगी हुई है पूरी बोट में कितना किराया भैया 40 रुपए एक तरफ का और आना जाना 80 240 रुपए एक तरफ का शत्रुघ्न मंदिर घाट और यहाँ पे ना गंगा आरती होती है रोज शाम को और यहाँ बैठ के आप गंगा आरती भी देख सकते हो एक ऑप्शन है कि हम यहाँ से राम झूला क्रॉस करके वहाँ जाएँ जहाँ भोलेनाथ जी की मूर्ति है और एक ऑप्शन है कि हम बोट में बैठ के यहाँ से सीधा उस वाले घाट पर वहाँ से यहाँ मतलब बोट से नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक तरह से रिस्क है क्योंकि छोटा है अभी देव से पहले से ही बताओ तुम बोट में बैठे भी नहीं आप बैठे हो तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है हम सोच रहे हैं कि राम झूला क्रॉस करके फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगे दोस्तों यहाँ देखो कितना सारा गंगा जल है और हम जब घर में यूज़ करते हैं ना जैसे किसी पूजा पाठ में तो वहाँ एक एक बूंद डालते हैं शत्रुघ्न मंदिर की हिस्ट्री भी लिखी हुई है वानी मम्मा साथ रहो बेटा अभी हम क्रॉस कर रहे हैं राम झूला और लिटरली दोस्तों पूरा हिल रहा है ब्रिज वर्षो कैसा लग रहा है देव आपको कैसा लग रहा है देव को तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है वैसे लक्ष्मण झूला ज्यादा हिलता है ना रात को ना इस पे जो वायर्स जा रही है इन पे लाइट जल जाती है बहुत प्यारा लगता है हाँ देखा आपने रात का दोस्तों नीलकंठ महादेव जाने का पैदल रास्ता आप टैक्सी से भी जा सकते हो इस साइड से तो कितनी मोटी मछली वो देखो ऊपर आ रही है किसी ने पॉलिथीन भी फेंकी हुई है तो सही बना हुआ है ना वर्षा बैठने के लिए लेटने के लिए आप लेट भी सकते देव देव को अब अच्छा लगा देव बोलो देव बोलो क्या अच्छा लग रहा है हेलो अच्छा बढ़िया दोस्तों अलग ही वाइब आ रही है ना यहाँ पीछे गंगा बह रही है इधर राम झूला चलो वर्षा आगे चलते हैं चले दोस्तों पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे कितने प्यारे लग रहे हैं ना कितनी अच्छी लग रही है ना कितनी प्यारी लग रही है वो ना अपना सीना चीर के दिखा रहे हैं कि उनके सीने में है श्री राम इतनी अच्छी मूर्ति है ना दोस्तों पूरा 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम ना यहाँ पहुँचे थे और अभी क्या हो रहा है कि यहाँ सफाई हो रही है सबको बाहर निकाल रहे हैं 1 घंटे बाद दोबारा कितना बड़ा मंदिर है ना जय हो बजरंगबली की तो अभी हम आए हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश मंदिर में जैसे दोस्तों बहुत बड़ा मंदिर है सचमुच के लग रहे हैं ना ये दोस्तों श्री देवी संपद अध्यात्मक संस्कृत महाविद्यालय तो दोस्तों मंदिर घूम लिया हमने कमेंट करके बताना परमार्थ निकेतन मंदिर कैसा लगा आपको और अभी भी गेट नहीं खुला है सफाई चल रही है अंदर की नो नो नो
गंदी बात, गंदी बात, आगे चलो। वानी अपनी फ्रेंड को अपने पास बुलाओ। दोस्तों सामने राम झूला और ये गंगा मियाँ और पीछे भजन चल रहे हैं। एक अलग ही वाइब है दोस्तों यहाँ। पापा देव थक गए। हम चले कितने वानी? 3 किलोमीटर पहले। पापा की बजी है। वानी अच्छी बच्ची है, ये नहीं थकी है ना? दोस्तों पहुंच गए वापस पार्किंग में और फिर तो बहुत पैदल चल लिया। हम यहाँ से सीधा पहले रामझूला गए, रामझूला के बाद फिर हम वहाँ जहाँ शिव भगवान की मूर्ति है वहाँ पे गए, फिर वापस चल के रामझूला, रामझूला से वापस पार्किंग में। ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर पैदल चलना हो गया तो बुरा हाल हो गया। पर दोस्तों सच में बात है, बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है, पीछे देख रहे हो आप मेरे, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। अब ऋषिकेश आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना। परमात निकेतन करके आश्रम है, वो तो मंदिर ही बहुत अच्छा है, वहाँ भी जाना। दोस्तों ये ना बार बार यहाँ से निकल के नीचे गिरा जा रहा था। वर्षा कुछ टेक्निक लगा रही है, शायद हो जाए। यहाँ इसे ना यहाँ भी अटका सकते हैं, इसमें सब नहीं गिरेगा। जय हो श्री केदारनाथ जी की। तो दोस्तों दर्द में पहुँच गए और बिल्कुल सही टाइम से पहुँच गए, क्योंकि रास्ता ना बहुत शॉर्ट है। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ऋषिकेश वाली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर। कुछ भी हो, मुझे आपका ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? वाओ नाइस।